नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, KF-21 लड़ाकू प्रोटोटाइप पहली रात की उड़ानों में सफल। जी हां दोस्तों, राज्य की हथियार खरीद एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि दक्षिण कोरिया के स्वदेशी KF-21 बोरा में फाइटर जेट प्रोटोटाइप ने अपनी पहली रात की उड़ानें सफलतापूर्वक संचालित की है। रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन DAPA के अनुसार KF-21 के तीसरे और चौथे प्रोटोटाइप ने पिछली रात परीक्षण उड़ानों में आयोजित किया है, क्योंकि उनके प्रकाश उपकरण सामान्य रूप से संचालित होते थे। इसने पहली बार चिन्हित किया है कि विकास में KF-21 मॉडल ने रात की उड़ान का संचालन किया है। मॉडल का पहला प्रोटोटाइप पिछले साल 19 जुलाई को अपनी पहली उड़ान में सफल रहा। इसके बाद 20 जनवरी को ट्विन सीट प्रोटोटाइप की परीक्षण उड़ान भरी गई। DAPA की 2026 की शुरुआत तक KF-21 मॉडल की कुल 2000 से अधिक परीक्षण उड़ानों की योजना है। 2015 में लॉन्च किया गया 8.8 ट्रिलियन विन और $ में गिने तो $6.8 बिलियन KF-21 प्रोजेक्ट का उद्देश्य दक्षिणी कोरिया के F-4 और F-5 युद्धक विमान के पुराने बेड़े को बदलने के लिए सुपरसोनिक लड़ाकू जेट विकसित करना है। दोस्तों, ये भारत के जैसा ही है दक्षिणी कोरिया है। दोस्तों, ये भारत की तरह तेजस एयरक्राफ्ट जिस तरह से भारत ने विकसित किया, उसी तरह से इसने FA-15 किया। और जहां भारत तेजस एयरक्राफ्ट को बेचना चाहता है, वहां भी ये FA-50 को बेच आया। मलेशिया ने दोस्तों FA-50 को पसंद किया। वो तेजस से बेहतरीन न होते हुए भी उसको क्यों पसंद किया, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, तेजस एयरक्राफ्ट पूरा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मतलब लड़ाकू योद्धा है, जबकि ये FA-50 एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, हमारा तेजस एयरक्राफ्ट एयर टू एयर रिफिलिंग कर सकता है, जबकि ये एयर टू एयर रिफिलिंग नहीं कर सकता। और दोस्तों, हमारी तेजस एयरक्राफ्ट की एयर फ्रेम कंपोजिट मटेरियल से बनी हुई है, जबकि इसकी स्टील से बनी हुई है। दोस्तों, हमारे तेजस का क्रॉस सेक्शन रेडार और रेडार में बहुत कम दिखाई देता है कंपोजिट मटेरियल के कारण, जबकि FA-50 में ऐसा नहीं है। दोस्तों, हम ऐसा रेडार का उपयोग करते हैं जो उत्तम ऐसा रेडार है, जबकि ऐसा नहीं है। FA-50 में इतना ज़बरदस्त रेडार नहीं है। उसके बावजूद भी दोस्तों, एवेनिक्स, फ्लाई बाय वायर, कंट्रोल, हर एक चीज़ में तेजस बेहतर है, इसलिए तेजस की कीमत भी ज़्यादा है। दोस्तों, इसी को कंपटीशन करने के लिए दोस्तों HLFT-42 विकास किया है, जो सुपरसोनिक जेट है, जो कि भारत का HLF उसको केवल ट्रेनर विमान के लिए ही बना रहा है और उसको एक्सपोर्ट वर्जन के लिए बनाया जा रहा है, ताकि FA-50 के साथ टक्कर ले सके। अब बात करते हैं दोस्तों एमका और KF-21 की। दोस्तों, एमका के कहीं आस पास भी नहीं है KF-21। KF-21 दोस्तों 4.5 जनरेशन का विमान है, जबकि एमका 5th जनरेशन का विमान है। जी हाँ दोस्तों, उसका क्रॉस सेक्शनल रेडार जिस प्रकार से हमने TBF फाइटर जेट का आगे का मुंह पूरा स्टिल्थ बनाया है, उसी प्रकार से इसको केवल बाहर से स्टिल्थ डिज़ाइन बनाई गई है। बाकी कोई दोस्तों इसमें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका रेडार भी इतना बेहतरीन नहीं है, शायद तक ये एयर टू एयर रिफिलिंग भी नहीं कर सकता। और दोस्तों, हमारे एमका में दुनिया का नंबर वन ऐसा रेडार है, उसके बावजूद दोस्तों उसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट लगा हुआ है, जो भी ज़बरदस्त है, जबकि KF-21 में ऐसा नहीं है। और दोस्तों, हमारे एमका में इंटरनल वेपन बे है, जबकि KF-21 में इंटरनल वेपन बे नहीं है। इस तरह से दोस्तों, उसका जो थर्ड वर्जन आएगा KF-21 का, फर्स्ट वर्जन आ चुका है, अब सेकंड वर्जन आया है, और थर्ड वर्जन आएगा वो शायद 5th जनरेशन फाइटर जेट हो या 4th वर्जन में हो, जबकि एमका का फर्स्ट एयरक्राफ्ट 5.5 वर्जन का होगा, मतलब 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। इसलिए दोस्तों, भारत ने अपने एक्सपोर्ट वेरिएंट को अलग से बनाया रहा है। भारत ने क्या किया दोस्तों, पहली बार एयरक्राफ्ट बनाया तो दोस्तों एक्सपोर्ट वेरिएंट में उतनी क्वालिटी के एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट नहीं किया जाता जो खुद देश इस्तेमाल करते हैं। जैसे दोस्तों, अमेरिका F-22 या F-35 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करता है, जैसे अमेरिकन सेना इस्तेमाल करती है, वैसे के वैसे एयरक्राफ्ट वो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा को नहीं बेचती है। दोस्तों, उनको एक एक्सपोर्ट वर्जन बनाया जाता है, जो रेट तो सेम उसी की लगती है या उससे ज़्यादा लगती है, पर क्वालिटी उतनी नहीं होती है, तब जाके थोड़ी प्राइस में नेगोशिएट कर पाते हैं। इसलिए हम भी दोस्तों इसका एक्सपोर्ट वर्जन नहीं बना पाए। हमने दोस्तों इसका लिफ्ट वेरिएंट के लिए पिच किया था, पर दोस्तों लिफ्ट वेरिएंट भी इन एयरक्राफ्ट से काफ़ी बेहतर है। बेहतर तो होगा, क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो कीमत तो ज़्यादा होगी ही, और दोस्तों उनको केवल ट्रेनर एयरक्राफ्ट चाहिए, कोई लड़ाकू योद्धा नहीं चाहिए था। इसलिए भारत की यह बात समझ में आ गई कि हम ट्रेनर एयरक्राफ्ट की जगह अगर तेजस को पिच करेंगे तो उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स तो इतने ज़्यादा है कि कोई भी एयरक्राफ्ट आस पास भी नहीं है, पर उसकी कीमत कम नहीं है। अब दोस्तों, ऐसा तो नहीं है हम घाटा खा के बेच सके। इसके लिए दोस्तों HLFT-42 बनाया जा रहा है, जिसमें हमारा स्वदेशी इंजन भी लगेगा कावेरी, जो दोस्तों आफ्टर बर्नर के बाद 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है, जो उस सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, हमारे पास सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी हो जाएगा, उसको हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और इसी तरह KF-21 भी, इसका फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वर्जन आएगा, वो 5th जनरेशन आएगा, भले ही भारत के एमका को बनाने में देरी हुई है, क्योंकि दोस्तों भारत की किसी ने सहायता नहीं की, और भारत के पास एक प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, हजारों प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भारत की आर्टिलरी भी बन रही है, बंदूकें भी बन रही है, हर कोई चीज़, मिसाइल भी बन रही है, टैंक भी बन रहे हैं,
तो मतलब भारत के पास एक काम ही नहीं है, और भारत की फौज बहुत बड़ी है जबकि दक्षिण कोरिया की फौज छोटी है। तो दोस्तों KF-21 की सफलता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या तेजस एयरक्राफ्ट FA-15 से बेहतर है और दक्षिणी कोरिया के KF-21 से MCA बेहतर है, या आपको नहीं लगता? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।